हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास सेवन, आज आप लोगों के लिए नई चीज लाए हैं भिन्न यानी फ्रैक्शन। मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन क्या है इसी के बारे में बताएंगे। फ्रैक्शन को भिन्न बोलते हैं, भिन्न फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन होता क्या है, जैसे एक बिस्किट है, 20 से काट दिए, ये पूरा बिस्किट क्या हो गया, आधा हो गया। तो आधा क्या हो गया, एक भिन्न हो गया। तो भिन्न को इस बोलते हैं कि जिन संख्याओं को a बटे बी के रूप में लिख सकते हैं, माने भिन्न की परिभाषा a बटे बी के रूप में लिखे जाने वाली या लिखा जाने वाली, लिखे जाने वाली, लिखे जाने वाली संख्या को भिन्न कहते हैं। जहाँ a और b दोनों प्राकृत संख्या है, जहाँ a और b प्राकृत संख्या है, जहाँ a और b प्राकृत संख्या है। जैसे 2/3 ये भिन्न हो गया, 5/7 ये भिन्न हो गया, 8/9 भिन्न हो गया, 9/6 ये भी भिन्न हो गया, आदि सब भिन्न है आदि। तो भिन्न में ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। भिन्न में ऊपर वाले को जैसे 2/3 है तो 2 क्या हो गया, अंश, और 3 क्या हो गया, हर, यानी अंश बटे हर होता है। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर, यानी अंश बटे हर, ये भिन्न हो गया आपका। ऊपर वाला कहलाता है अंश, नीचे वाला हर। जैसे 7/12 में अंश 7 हो गया, हर 12 हो गया, कि में अंश कितना हो गया, बराबर 7, और हर बराबर 12। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रैक्शन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो ये भिन्न हो गया। अब भिन्न का प्रकार, भिन्न का प्रकार पर आइए, कुछ खास खास किस्म का भिन्न बताते हैं। भिन्न का प्रकार, भिन्न के प्रकार, नंबर 1 दशमलव भिन्न। इसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। जिस भिन्न का हर 100 हो उसे 100, 1000 है ना, 10,000 आदि, माने वह भिन्न जिसका हर 10, 100, 1000 आदि हो उसे दशमलव यानी डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जैसे 5/10, 25/100, 45/1000 आदि, ये दशमलव भिन्न हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। दूसरा होता है
साधारण फ्रैक्शन, उसका क्या होता है साधारण साधारण फ्रैक्शन या सामान्य फ्रैक्शन कहिए उसको, सामान्य भिन्न, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन जिस भिन्न का अंश उसके हर से कम हो उसे सामान्य भिन्न कहते हैं। जिस भिन्न का अंश यानी न्यूमरेटर अंश उसके हर से कम हो उसे सामान्य भिन्न कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जैसे 5/12, 7/15, 3/5 आदि, क्योंकि इसका अंश कम है हर ज्यादा है, इसलिए क्या हो गया सामान्य भिन्न। तीसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, असामान्य भिन्न। तीसरा क्या हो गया असामान्य भिन्न, असामान्य भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जिस भिन्न का हर अंश उसके हर से अधिक हो, जिस भिन्न का अंश उसके हर से अधिक हो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 5/3, 12/7, 8/5 आदि, माने अंश जो है हर से ज्यादा है। उसके बाद होता है मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न होता, मिश्रित भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन। जिस भिन्न को एक प्राकृत संख्या और एक भिन्न के रूप के योगफल के रूप में लिखा जा सके, यानी एक प्राकृतिक संख्या और एक सामान्य भिन्न के जोड़ के रूप में लिखा जा सके, उसे बोलते हैं मिश्रित भिन्न। जिस भिन्न को एक प्राकृत संख्या मैंने नेचुरल नंबर संख्या और एक सामान्य भिन्न के योगफल के रूप में लिखा जा सके उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं, या मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न जो लिखे भिन्न कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जैसे
पांच होल नंबर दो बटे तीन, ये मिश्रित भिन्न है, इसको हम लिखेंगे इस तरह से, पांच प्लस दो बटे तीन। पांच प्राकृत संख्या है, दो बटे तीन क्या है, सामान्य भिन्न है। इसी तरह से छह होल नंबर सात बटे बारह, इसको हम लिख सकते हैं छः प्लस सात बटे बारह, तो ये क्या हो गया, मिश्रित भिन्न। छः होल नंबर सात बटे बारह को लिखेंगे छः प्लस सात बटे बारह, छः क्या है प्राकृत संख्या है, सात बटे बारह क्या है सामान्य भिन्न है। तो जिस भिन्न को एक प्राकृत संख्या और एक सामान्य भिन्न के योगफल के रूप में लिखा जा सके, उस संख्या को क्या बोलते हैं, उस भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो मिश्रित भिन्न का कई उदाहरण दे सकते हैं, दो चार उदाहरण लिखिए, फाइव नंबर तीन बट्टे सात, पाँच नंबर चार बट्टे आठ, तीन फोन नंबर एक बट्टे दो आदि। तो ये भिन्न अलग अलग किस्म का हो गया। अब मिश्रित भिन्न को सामान्य भिन्न में कैसे लिखेंगे, अब एक्सरसाइज से ही चालू करेंगे तो समझ में आएगी बात। ये भिन्न का प्रकार बता दिए, अब एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बता रहे हैं। तो मिश्रित भिन्न को भी विषम भिन्न कहते हैं, इसका अलग नाम है विषम भिन्न। मिश्रित भिन्न का दूसरा क्या नाम है, विषम भिन्न, उसको समझिए। जैसे मिसाल के तौर पर हम समझाते हैं कि 15 बटे 4 जिसका अंश अधिक है, हर कम है, असामान्य भिन्न, इम्प्रोपोर्शनल या मिश्रित भिन्न भी कहते हैं इसको। अगर चूंकि मिश्रित में लाएंगे तो क्या होगा, 15 को 4 से भागा देंगे, 4 तिया 12, 4 तीन बार जाएगा बच गया 3, 3 हल नंबर 3 बटे 4, 3 हल नंबर 3 बटे 4, तो 4 तिया 12 15 बटे 4 हो गया। तो इसको हम माने इम्प्रोपर भिन्न बोलते हैं, ये मिश्रित भिन्न बोलते हैं। तो मिश्रित भिन्न को इम्प्रॉपर को विषम भिन्न भी बोलते हैं या सामान्य भिन्न बोलते हैं। तो आप एक्सरसाइज चालू करते हैं, इसी में देखिए प्रश्नावली प्रश्नमाला, प्रश्नमाला दो का ए, एक नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित मिश्रित भिन्नों के को विषम भिन्नों के में परिवर्तित कीजिए। देखिए एक में है तीन नंबर दो बट्टे सात, ये मिश्रित भिन्न है, तीन प्लस दो बट्टे सात, इसको लाना है विषम भिन्न में। तो करेंगे क्या, नीचे से गुना, तीन सत्ते 21 और ऊपर जोड़ देंगे 21, 22 23 हो गया, 23 बटे कितना हो गया 7। इस तरह से आप इसको पूरा बना सकते हैं। और दो नंबर का एक ठो बताते हैं, ये मिश्रित भिन्न दिया हुआ है, इसको लाना है विषम भिन्न में, विषम भिन्न को और विषम भिन्न दिया हुआ है मिश्रित में लाना है, 23 बटे 11, तो 23 को 11 से भाग दे दीजिए, 11 तो नहीं 22 बच गया एक, तो दो नंबर एक बटे 11, दो नंबर एक बटे 11। तो इसी तरह से आप एक्सरसाइज को बनाइएगा, टास्क दे देते हैं, 2A का टास्क है, यहीं तरह रखा जाए। थैंक्स।